हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। रक्षाबंधन आने वाली है और इस दिन के लिए हम लोग कोई ना कोई मिठाई जरूर बनाते हैं, इसलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी बन जाने वाली नारियल बर्फी की रेसिपी, जिसे कि हम लोग दो कलर में बनाएंगे। तो आइए इसे बनाते हैं। नारियल बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मोटे तले की कढ़ाई ली है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे आप फुल फैट मिल्क का ही यूज करें फ्रेंड, उससे मिठाई में जो टेस्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 1 कप के करीब ना हो। ये अगर आप कप से देखें तो ये 4 कप होता है 1 लीटर मिल्क, तो हमें इसे रिड्यूस करके 1 कप बनाना है। तो अभी यहाँ पे मिल्क देख सकते हैं कि 1 कप हो चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ऐड किया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो ये छोटी वाली हरी वाली इलायची का पाउडर है, आप चाहें तो रोज एसेंस या कोई भी एसेंस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे डाला है 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है फ्रेंड। और आप चाहे तो ताजे नारियल को भी जो ब्राउन पार्ट है वो निकाल के उसका छिलका और मिक्सर में पीस के या फिर ग्रेट करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उससे भी बर्फ़ी हमारी काफ़ी टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। तो अभी हमें इसे अच्छे से पकाना है, आप देखें, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है फ्रेंड। ये तुरंत ही ड्राई हो जाएगा, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। नारियल की बर्फी या नारियल के लड्डू कभी भी बहुत आसानी से हम लोग किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है लगभग। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी, आप चाहे तो घी 2 चम्मच भी कर सकते हैं। और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो कोकोनट का जो मिक्सचर है वो अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो इस मिक्सचर को बहुत ड्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो बर्फी है वो बहुत ड्राई बनेगी। और अभी मैंने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमें इसे 2 कलर में बनाना है। तो 1 कलर मैंने हटा लिया है और दूसरे कलर में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो मैंने अभी गैस स्टोव बंद रखा है। यहाँ पे कलर को मैंने 1 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया था ताकि डालने में हमें आसानी हो। और मुझे थोड़ा कम लग रहा है कलर, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। और बस इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते रहें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एकदम ग्रीन कलर मुझे परफेक्ट लग रही है, तो इतना ही ग्रीन मुझे चाहिए था। तो इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, एकदम पूरा ठंडा नहीं करना है। अभी मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा लिया है और बटर पेपर के ऊपर भी मैं घी लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी थाली या प्लेट में डायरेक्ट घी लगा के भी इसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो नारियल का जो मिक्सचर है वो अभी नॉर्मल से गर्म है, तो हमें एकदम से ठंडा भी नहीं करना था। तो अभी हमें इसमें इसे फैला देना है। तो बहुत मोटा लेयर हमें नहीं रखना है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर से फिर ग्रीन कलर डालेंगे, तो आप उसी हिसाब से डालें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेचुला से मैंने पूरा बराबर करके डाल दिया है। और इसके ऊपर से अभी मैं ग्रीन कलर ऐड करने वाली हूँ, तो जितना मोटा लेयर आप वाइट का डालें उतना ही मोटा ग्रीन भी डालें। और बस इसे हल्के हाथों से फैलाते जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर को मैंने अच्छे से फैला दिया है और इसे हमें सेट करने के लिए रखना है। तो 2 से 3 घंटे आप इसे ऐसे ही छोड़ दे बाहर, ये अच्छे से सेट हो जाएगी, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मैंने इसे इसके ऊपर से डाला है ड्राई फ्रूट्स, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बादाम और कटा हुआ पिस्ता से इसे गार्निश किया है
और इसे स्पेचुला से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दे। और अभी यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने 2 घंटे बाद ही देखा है, तो ये देखे ये बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। मैंने इसे इजली उठाया है और बिल्कुल नहीं ये टूटी है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे कट करूंगी। तो कभी भी बर्फी या मिठाई को काटने के लिए फ्रेंड आप पतले चाकू का यूज करें। तो यहाँ पे मैं साइड से पहले उसके किनारों को क्लीन कर दी हूँ और उसके बाद मैं इसे ऐसे कट कर रही हूँ। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी शेप आपको पसंद है उस हिसाब से कट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा हमारा लेयर बन के आया है। और ये हमारी राखी स्पेशल 2 कलर नारियल की बर्फी पूरी तरह से रेडी है। तो आप इस राखी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।